हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। माय नेम इज शरद। आप देख रहे स्मार्ट शरद टे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोग को बोला था, निफ्टी का चाल तेरह तारीख को क्या होने वाला है। शायद जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे वो लोग को मालूम पड़ गया होगा आज निफ्टी ने क्या किया। सर, मैं आपको बोलूं, निफ्टी ने आज जो किया बेहद खराबी चीज किया। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था 100 पॉइंट लॉस कर सकता है निफ्टी। ओ माय गॉड, वही हो गया। चलिए एक क्विक चेक लेते हैं निफ्टी का क्या है। आज निफ्टी ओपन हुआ था, बहुत अच्छा ओपन दिया था। 11,139.4 हाई भी मारा था 11,145.90 और साथ ही साथ अभी अभी कितना बड़ा लो करके गया निफ्टी, ओ माय गॉड 10,901.60 एंड क्लोजिंग हो गया है 10,925.85। लॉस आज का दिन में हम लोग कितना पॉइंट किए, 183.80 पॉइंट हम लोग आज लॉस किए निफ्टी से। अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो परसेंटेज ऑफ लॉस 1.65 हम लोग आज लॉस किए। आप लोगों मैंने बोला था, अगर जो लोग मेरे को ऊपर भरोसा रखे होंगे वो आगे अच्छे खासे प्रॉफिट कमा के बैठे होंगे। जैसे कि मेरा ग्रुप में तो बहुत अच्छा कमाई है आज निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 20-20 रुपये का स्टॉक लेके शेयर एक एक लॉट लेके बैठे थे, वो आज कितना कमाए। अगर जो बिलीव किए है मेरे ऊपर और जो बिलीव नहीं किए, मैंने कुछ नहीं बोल सकता है उनके बारे में। और मैं जो बोला था कल जे 80 पॉइंट निफ्टी गिरेगा, उसका ऊपर बहुत कमेंट्स भी मेरे ऊपर आया, आप कौन हो बोलने वाले, इतना बड़ा पॉइंट लॉस होगा, आप कौन सा भविष्यवाणी करते हो। सर, मैं वही लोग के लिए बोल रहा हूँ, आज कल का मेरा भविष्यवाणी आप आज देख ही लीजिए, तभी आप बाद में मुझे बोलिए। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, ना करना चाहता हूँ। जो सर एक मैं बोलना चाहता हूँ, मार्केट को ओनली लचाता है न्यूज। निफ्टी तो आज और भी गिरता था, कम से कम तो 200 पॉइंट के आसपास आज गिरने वाला था, उसको बचा दिया अकेला ही एक अपना दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री। ओ माय गॉड, रिलायंस इंडस्ट्री आज जो कुछ किए हैं उनको सत सत नमस्कार। यस सर, रिलायंस इंडस्ट्री जो लोग 10 साल हो गए ट्रेडिंग करते उनको मालूम हुआ होगा, रिलायंस आज 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है एक दिन में। इतना बड़ा कभी भी अपमूव नहीं आया था रिलायंस में। आज का रिलायंस का ये देखा जाए तो 9.44% आज अपमूव दिया वो। यस, रिलायंस सही में आज ग्रेट। इसीलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग कुछ नहीं देखेगा चलेगा, न्यूज देखो। न्यूज देखोगे आप अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। जैसे कि न्यूज का बदल में आज कितना जो लोग रिलायंस में बैठे होंगे वो लोग क्या कमाए होंगे। मेरे ख्याल से तो इतना कोई कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि रिलायंस का चाल तो इतना बड़ा नहीं था। और रिलायंस में हायरली 50% तक बैठ सकते हैं आदमी, इसका आगे तो नहीं बैठ सकते कोई, जितना दूर मेरा विश्वास। कोई कोई रहते हैं बैठने के लिए, हाँ ऑप्शन और फ्यूचर वाला बैठे, लेकिन जो इक्विटी मार्केट में जो काम करते हैं वो इतना टाइम नहीं बैठ सकते। चलिए देखते हैं आज का टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन कौन है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आज टॉप गेनर में नंबर वन में है, जो कि आज परसेंटेज ऑफ देखा जाए कितना परसेंट आज गेन किया है, 15.72% गेन किया है सर। रिलायंस उसका नीचे आया 9.44। सन फार्मा भी मैं आपको बोला था फार्मा कंपनी में अभी नज़र डालिए, कल आपको मैं बोला था फार्मा आईटी सेक्टर में नज़र डालिए, आज सन फार्मा ने 4.32% का गेन किया है। उसके बाद गिल ने 1.37% का गेन किया है और जेएसडब्ल्यू स्टील 0.14 का गेन किया है।
टॉप लूजर में आते अपना जो लाडकिया स्टॉक यस बैंक। यस बैंक ने आज -10.65 लॉस किया है। M&M कंपनी 5.99 लॉस किया है, परसेंट लॉस में गया है। बजाज फाइनेंस भी 5.89, आइसर मोटर 5.75%, बजाज फिनसर 5.70%। इसमें से जो आइसर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, इनका तो उनका सेक्टर का ही तकलीफ चल रहा है, इसलिए इनका ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोग, क्योंकि वो सेक्टर ही अभी बहुत कसमाकस में चल रहा है, गवर्नमेंट से लड़ रहा है लड़ रहा है लड़ रहा है, कुछ भी उसका सोल्यूशन नहीं निकल रहा है अभी तक का। यस बैंक अभी क्या करेगा? यस बैंक के ऐसा कुछ बैड न्यूज और नहीं आया है, उसको आना चाहिए था 75 तक, और फाइनली वो आ ही गया। क्योंकि उसको फाइनल क्यों आना चाहिए था, जो परसेंटेज 5% डिस्काउंट जो किया गया था उनका जो QIP में, वही उसका ही कुप्रभाव इसका ऊपर पड़ गया, यस बैंक का ऊपर। और आप लोग अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है तो वो लोग इसमें तो नहीं बैठना चाहिए, जो ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं आई थिंक उनको और भी एक बार सोचना चाहिए इसके बारे में। मैं नहीं बोलूँगा वो रखो मत रखो, ये आपका ही डिसीजन रहेगा, ये ओनली एजुकेशन पर्पज जाने ले। मैं इधर खाली अपना मेरा जो स्टडी करता हूँ उसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ, ना मैं किसी को बाय ना किसी को मैं सेल कर ना करने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ। ओके, आज रिलायंस के बजट से और दो कंपनी का भी गेन हुआ है। एक कंपनी तो अपर सर्किट भी मार दिया, और एक कंपनी तो 10% अप मूवे भी बैठ क्लोजिंग किया। वो दो कंपनी कौन है? आगे चल के सर एक दो कंपनी का पर नज़र रखिए, ये शायद आप लोग को अच्छे खच्चे रिटर्न दे सकेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर। फर्स्ट है हार्टवेक केबल, ओ माय गॉड, वो तो आज अपर सर्किट भी मार दिया, गेन किया 3.90। कंपनी का सर आज क्लोजिंग प्राइस है 23.70। इतना छोटा सा कंपनी आज पूरा हलचल सृष्टि किया, गिरते हुए मार्केट में शेर जैसा दौड़ रहा था। और उसके साथ साथ और एक कंपनी है डेन नेटवर्क लिमिटेड, इसको मैं मेरा इंट्राडे वाले को भी दिया था आज, डेन नेटवर्क लिमिटेड का ये आज 10.50 का अप मूव दिया है। वो करेंट लास्ट क्लोजिंग प्राइस उसका आज है 66.85 रुपीज़। सर ये दो कंपनी को अपना आप नज़र रखिए, रिलायंस जैसे दौड़ेगा ये दोनों भी ऐसे ही दौड़ेंगे उसका पीछे पीछे, रिलायंस का पीछा नहीं छोड़ने वाले ही 5 साल तक। यस सर, और आज का बारे में मेरे को ये बोलना था जी, निफ्टी का अभी हम करेंगे क्या, कल के लिए क्या करेंगे, निफ्टी का कल के लिए चल क्या रहेगा? सर एक बार नोट कीजिए, निफ्टी अभी क्लोजिंग दिया है 10,925.85 में, और कल निफ्टी को अगर ऊपर दौड़ना है उसके लिए उसको गैप अप ओपनिंग देना पड़ेगा, वो भी 25 से लेकर 30 पॉइंट तक वो अप मूव देना पड़ेगा, तभी तो वो ऊपर दौड़ने का कुछ सोच सकता है। जैसे कि सपोज 950 का ऊपर ऊपर ओपन हुआ, तो 10,950 का ऊपर ओपन हुआ तो आप लोग सोच सकते हो वो ऊपर दौड़ेगा। कम से कम मेरा तो व्यू है कॉल के लिए 100 to 120 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए निफ्टी को। अगर नहीं गया तो उसको बिलो 10,900 का नीचे ओपन होना है, और 50 पॉइंट का आसपास नीचे जाना है उसके लिए। आज कल के लिए इतना ही बड़ा रहेगा, उतना ही रहेगा, लेकिन बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल निफ्टी 100 पॉइंट गेन कर सकेगा। अगर मेरे को एक छोटा सा एक बोलना है, अगर 11,100 रुपीज़ का कोई सी ले के काम करेगा आई थिंक वो अच्छा खासा मुनाफा बना सकता है कल का एक्सपायरी वाला दिन में। कल एक्सपायरी वाला दिन में उसको शायद अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, ये मेरा कोई एडवाइस नहीं है, मैं जस्ट मेरा एजुकेशन प्रपोजली बोलता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, और कैसा लगा मेरा,
प्लीज़ अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और आपका दोस्त का है शेयर करना ना भूलिए। फ्रेंड्स कल के लिए फिर कुछ अच्छा, हाँ और मैं एक डिक्लेयर करना चाहता हूँ, 15 अगस्त को मैं एक छोटे इन्वेस्टर के लिए एक हिंट्स लेके आऊँगा। मीन्स छोटे इन्वेस्टर क्यों, हम लोग छोटे इन्वेस्टर जो है वो क्यों मार्केट को अलविदा करके निकल जाते हैं। कोई छोटा इन्वेस्टर आता है एक महीना दो महीने के बाद बाय कर देता है, उसका रिलेटेड मेरे को एक वीडियो आना है मेरा आएगा, प्लीज़ ज़रूर देखिए। जो छोटे इन्वेस्टर, जो लोग बड़े इन्वेस्टर वो तो मत देखो क्योंकि वो आप लोगों के काम नहीं, और जो छोटे इन्वेस्टर रहेंगे उनको देखना है। चलिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।